कि जो ये वैल्यूम अप है, वैल्यूम डाउन है और पावर की है ना, इसकी सप्लाई कौन से आईसी से आ रहा है और कौन सा लाइन से आ रहा है और कौन सा कंपोनेंट से होकर के आ रहा है कि नहीं, अपने पास टारगेट किया है। और पहला टारगेट किया था कि जो ये वाला जैक है जहां पे ये स्ट्रिप लगता है, ये छह पिन में से कौन कौन सा पिन क्या काम कर रहा है, तो हमने ये चीज यहाँ पे डायग्राम में बता दिया है बोर्ड पे, बताया नहीं बताया, छह पिन है, छह में से तीन क्या है ग्राउंड है, तीन ग्राउंड है और तीन जो है इसकी सप्लाई का है। जो टीपी 23 है ये इसका वैल्यूम अप का है, जो टीपी 24 है वो डाउन का है और जो टीपी 25 है वो पावर की का है कि नहीं। एक तरफ का तो हमने ये पता लगा लिया, लेकिन दूसरे तरफ का यदि हमको मालूम लगाना है कि कौन सा आईसी से ये कनेक्शन आ रहा है, यदि ये दिक्कत आता है कभी भी ये चीज नहीं चलता है तो आपको तो रिपेयरिंग करना होगा ना, तो रिपेयरिंग कैसे करेंगे, तो ये आपको पास क्या होना चाहिए, मालूम तो होना चाहिए कौन सा आईसी से ट्रैक आ रहा है। पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इस जगह पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक तो यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ तक तो हमने ट्रेस कर चुके हैं, अब ये कहाँ जा रहा है, सीपीयू, सीपीयू में। तो देखिए ये लाइन है, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड, तो ये कौन सा आईसी में जा रहा है, सीपीयू में। तो यहाँ पे जो है हम बोर्ड पे एक आईसी बनाएंगे, यहाँ पे एक आईसी बनाना है, तो ये सीपीयू क्या, सीपीयू वैल्यूम अप का लाइन, इसके बीच में और कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ठीक है जी। और यदि ये रेजिस्टेंस आपका 1 किलो ओम का खराब होता है या फिर ये डायोड खराब होता है तो आपको इसमें डिस्टर्ब हो सकता है ये वाला की में, है कि नहीं, यदि ये नहीं चलता है कुछ ऐसे दिक्कत आता है तो इसकी कहां पे जा रहा है, सीपीयू। तो अब इसकी हम दूसरी लाइन को ट्रेस करेंगे, एक लाइन की मालूम चल गया है, अब इसकी वॉल्यूम डाउन का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इस कोड को कॉपी कर लेंगे और यहीं पे देखो, ये जो है PM8937 में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, PM8937 जी। तो ये वाला जो सिग्नल है इसका जो ट्रैक है वो PMIC में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसके बीच में भी कोई भी कंपोनेंट नहीं है, है कि नहीं? नहीं। कोई ऐसा सोचा था क्या वैल्यूम आपका सीपीयू में जाएगा और वैल्यूम डाउन का पावर में जाएगा, नहीं सर, सीपीयू सोचे थे, है कि नहीं? तो ये किस में चला गया, पावर की। अब इसकी बचा कौन सा, पावर की, पावर की। अब देखो एक U0500 एक आईसी लगा हुआ है जिसमें कि ये कीपैड पावर इनका सप्लाई आया हुआ है, ठीक ना, और वो उसका पिन नंबर 12 पे आएगा, कहाँ पे आएगा जी, ये आईसी जो है ना DC to DC आईसी है, कौन सी आईसी है ये, DC to DC जी, DC to DC आईसी है ये, जी ये BQ सीरीज का आईसी है, ये देखो लिखा है पावर चार्जर BQ सीरीज, ये इसका आईसी का नंबर है। तो ये जो है हम इस तरीके का यहाँ पे आईसी हम आपको बोर्ड में भी दिखा देंगे, ये आईसी में कुछ इस तरीके का बॉल बना हुआ रहेगा, ठीक ना, इसमें बॉल कितना है जरा गिनती करें, तो
कितना बॉल है इसमें? 24। तो इधर से यदि डॉट इंडिकेशन से चालू होगा तो 24 नंबर किधर से आएगा? तो ये एक हो जाएगा, ये छ, ये सात और ये देखिए इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 और ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19 और ये 24। तो कितने नंबर बॉल पे जा रहा है? कितने नंबर पिच पे जा रहा है? 12 नंबर पे, यानी कि ये वाले पे जा रहा है ये इसका लाइन। सर बीच में रेजिस्टेंस जी जीरो ओम का फ्यूजेबल, बिल्कुल। तो बीक्यू सीरीज का है तो यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस को लगाया गया है जो जीरो ओम का है, और इस रेजिस्टेंस का जो है पार्ट नंबर क्या दिया हुआ है? आर 0511, ठीक है, ठीक है जी। तो देखो इस आईसी के हम पूरी वर्किंग भी आपको बताएंगे, ठीक ना? इस आईसी की पूरी वर्किंग बताएंगे, एक एक लाइन का क्या रोल है, क्या एक एक पिन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक ना? जिस दिन हम चार्जिंग का आपको सेक्शन पढ़ाएंगे उस दिन क्या होगा, इस आईसी के पूरा डिटेल बताएंगे कि ये आईसी वर्क कैसे करता है, ठीक ना? कौन सा पिन कौन सा आईसी से कनेक्ट होता है, कौन सा पिन से क्या काम करता है, ये सब चीज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे चार्जिंग के लेसन के दौरान। सर जी डीसी टू डीसी आईसी जी 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 तो बीक्यू इंडिकेट है इसका ना? बीक्यू से इसका नाम आएगा यदि हम मार्केट में खरीदने जाएंगे। ये बॉल आईसी है कि लैग आईसी? ये पिन के तरह दिखेगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा दिखेगा, ऐसा चारों तरफ इसके लैग है, छे छे बॉल है ना जी। जिस तरीके से मैंने बनाया है जी। तो इधर के 12 नंबर पिन पे ही आएगा जी सर, ये वाले पिन पे जी, ठीक है ना? तो ये चार्जिंग आईसी भी है ये। तो जिस दिन हम आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम पढ़ाएंगे उस दिन जो है इसका पूरी आईसी का वर्किंग भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा पिन से क्या काम कर रहा है, किससे वोल्टेज इन होता है, किससे आउट होता है, ठीक ना? किससे सिग्नल मिलता है, यदि टेम्परेचर का इशू आता है तो कैसे पहचानेंगे, यदि उसमें चार्जिंग इंडिकेट नहीं शो करता है तो उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे, तो वो सब चीज हम आपको चार्जिंग का लेसन के दौरान करवाएंगे कि टेम्परेचर इशू में क्या करना है, यदि स्विच ऑफ में शो कर रहा है, ऑन में शो नहीं कर रहा है तो क्या करना है, या चार्जिंग एरर का मैसेज देता है तो क्या करना है, ठीक ना? वो सब चीज हम आपको चार्जिंग का लेसन में बताएंगे। यदि आप इस हर एक पिन का वर्किंग समझ जाते हैं, ठीक ना, तो आप इस तरीके का प्रॉब्लम क्या है अपने बलबूते पे सही कर सकते हैं, ना कि किसी से पूछ के, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम आया तो ऐसा नहीं कि हम वो प्रॉब्लम को आप सर्च करेंगे, हम क्या उसको चेकिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेसिंग से। जी जी बिल्कुल। तो अभी देखेंगे, अब हमारा काम है इसका, अब हम इसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंपोनेंट को ढूंढते हैं। तो इसमें हम देखिए इसके साथ एक डायोड भी लगा हुआ है, ठीक ना? इसके साथ जो है एक डायोड भी लगा हुआ है, और ये डायोड कहां पे है? जी इसमें देखिए मॉडल नंबर पढ़ेंगे इसका, पार्ट नंबर जी। तो ये वाला डायोड हम कहां पे ढूंढेंगे? लेआउट में। अब यहाँ पे जरा आप सब बताएं तो वो डायोड कहाँ पे लगा हुआ है? वहाँ पे सर, कोने में, U0501। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए उसका D602, D0602, छह सौ दो
वही है कोने में सर, जहाँ माउस पीपी के नीचे सर। ये रहा सर, हाँ बराबर वही है, दिख रहा है जी सर। ये डायोड भी पावर की जी लाइन लाइन में ये डायोड आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हम बोर्ड में देखने की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा, इसके ऊपर कहाँ पे मिलेगा सर, यहाँ पे जी। तो ये डायोड भी यदि आपका मिसिंग रहेगा तो इसमें ऑन ऑफ स्विच का प्रॉब्लम आएगा। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, सिमेट्रिक्स में। देखिए ये वाला तो इस कोड से मिल रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इस कोड को यदि आगे पता करना है तो मुझे क्या करना है, इस कोड को देखो इसमें और इसमें फर्क लग रहा है क्या जी सर, कोड का फर्क है ना जी। तो हमारा ये वाला है, तो हम जब तक इसकी आगे का ट्रैक नहीं मिलेगा तब तक हम इसको सर्च आगे नेक्स्ट करेंगे। अब देखो डायोड के अगली सिरे से कहां जा रहा है, पावर में, यानी कि यहां से जो है डायोड एक लग करके, एक डायोड यहां से लग करके इसी ट्रैक में, देखो एक डायोड यहां से लग करके कहां से गया है, पावर आईसी में गया है। तो इस तरीके के यदि इस फोन को ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा जरा बताएं, लेआउट में उस पार्ट्स का हम क्या देख सकते हैं, पोजीशन, क्या देख सकते हैं पोजीशन, और उसकी अगला ट्रैक यदि मुझे सर्च करना है तो उसको लेकर के हम सिमेट्रिक्स में सर्च करेंगे, ठीक है। और यदि सिमेट्रिक्स में यदि कोई वो पार्ट नंबर आता है बीच में तो हम क्या करेंगे, उसका वहां से वो कॉपी करके आप उसका पोजीशन देख सकते हैं कहां, लेआउट में। और आपके पास जो बोर्ड होगा जिसमें प्रॉब्लम होगा और उस बोर्ड में हम उस कंपोनेंट को मैच कर सकते हैं, यदि वो कंपोनेंट मिसिंग है या खराब होगा तब फिर भी वो